हे गाइस, सो वी स्टार्टेड आवर डे और हमने सुबह भी पहले मेरी बाइक सर्विस पे लेने गए थे. इट्स फर्स्ट सर्विस ऑफ माय न्यू बाइक BM. लेट्स सी कि क्या एक्सपेंस आता है. बिकॉज़ फर्स्ट सर्विस आर आल्सो नॉट फ्री इन BMW, तो शाम में पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ है उस पर. और उसके बाद सीधा हम लोग आए हैं जिम. हम कर रहे हैं अभी कार्डियो, एम्प्टी स्टमक कार्डियो सुबह, जो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ शो से पहले. अभी 15 डेज और बचे हैं फॉर द शो. एंड फाइनली सो द कैटेगरीज आई एम प्लेइंग इन इज मेंस फिजिक एंड क्लासिक फिजिक. वेट अभी 73-74 अराउंड चल रहा है. लेट्स सी कितना और डाउन हो जाता है. अभी डेली प्रोग्रेस फील हो रही है, डेली बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. तो सुबह अभी हम 50 मिनट्स एम्प्टी स्टमक कार्डियो करेंगे, उसके बाद जाएंगे हमारी मील लेने और वहाँ से फिर देन फ्री होके वापस से आएंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए. सो एंजॉयिंग द कार्डियो और शाम को लेंगे बाइक की डिलीवरी भी. तो देखते हैं कि कितना खर्चा आया उसमें. हम कार्डियो करके आ गए हैं और हम खाएंगे हमारी मील चिकन ब्रेस्ट और ब्रोकली. ब्रोकली सारी मील में इंक्लूडेड है. पर चार बार मैं चिकन की मील ले रहा हूँ अभी, हर 2.5 से 3 घंटे में. यही पोर्शन, सेम क्वांटिटी, सेम फूड है, सेम मील है, चार बार पूरे दिन में. सिर्फ एक वर्कआउट के बाद मेरा 100 ग्राम राइस चल रहा है, अदरवाइज सब में यही मील है. और सुबह हमने एग्स और प्रोटीन ले ही लिया था. कार्डियो से पहले हमने इसको प्रोटीन लिया था. तो ये ऐसा पूरा मील पैटर्न चल रहा है. अभी ये मील वील लेके हम लोग वापस जाएंगे बाहर फॉर द ट्रेनिंग एंड ऑल PT के लिए. उसके बाद फिर वहाँ से जाएंगे हमारा खुद का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट करने. सो अब हम हमारी मील खा रहे हैं. मील खाने के बाद हमें बाहर जाना है वापस. तो यही डाइट चल रहा है अभी प्रॉपर, जो आपके सामने है मैंने दिखाया. यही चार मील है, बस एक एंड में एक मील आती है, उसके अंदर मैं राइस भी लेता हूँ, अदरवाइज मैं राइस नहीं ले रहा. जो बड़ी बड़ी मील्स हैं वो यही हैं. इसके अलावा छोटी मोटी और जो चीज़ें चल रही हैं वो हैं. अदरवाइज मेन फूड इज सेम, दिस इज चिकन ब्रोकली एंड में फिश, राइस एंड ब्रोकली. फिश के साथ राइस ले लेता हूँ मैं. एक मील रहती है मेरी जो एंड वाली है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद वाली. रोज वही खाना, रोज वही सब, रोज वही वर्कआउट. तो डिसिप्लिन की बात होती है, क्योंकि प्रेप के टाइम पे आखिरी के 3-4 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा. अभी डेली बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं. आज शाम को वापस से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद मैं एक बॉडी अपडेट भी बनाऊंगा, वीडियो वो भी डालूंगा. और शाम को हमारी बाइक की हम लोग डिलीवरी लेंगे वापस से फर्स्ट सर्विस के बाद. तो देखते हैं कितना खर्चा आया है. आई गेस 5,000 से ऊपर ही होगा, पर लेट्स सी कितना आता है, शाम को पता चलेगा. सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय. हे गाइस, सो हम जिम आ गए हैं और आज हम लोग लगाएंगे पैक वर्कआउट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइम है, कार्डियो सब हो गया, डाइट हमारी प्रॉपर, हमारी तीन मील ऑलरेडी हो चुकी है. एंड आज हम लोग लगाएंगे बैक. बैक के बाद वी विल डू एब्स एज डेली, जो रूटीन है. तो बैक के अंदर 5 एक्सरसाइजेस और वेट थोड़ा सा भी मैं लाइट ले रहा हूँ, बिकॉज उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं क्रिएट हो पा रही, बिकॉज कार्ब्स बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं. तो 5 एक्सरसाइजेस मेनली फोकसिंग आज मैं करूँगा लोअर बैक पे और लोअर लैट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ वर्कआउट एंड उसके बाद हम लोग लेंगे हमारी बाइक की डिलीवरी.
सो गाइस, सर्विस इज डन, बाइक आ चुकी है, सर्विस ओके, एंड इट कॉस्ट मी 6,500 फॉर माय फर्स्ट सर्विस ऑफ बीएम. मुझे लगा ही था कि 5,000 अप्रॉक्स तो हो गई, बट या 6,500 फॉर द फर्स्ट सर्विस ऑफ BMW 310 RR. ये इसका प्राइस है. 1,000 किलोमीटर या 3 महीने कंप्लीट होने पे इसकी फर्स्ट सर्विस रहती है. ओके, सो बाइक ले ली है, अब हम चलते हैं मील बनाने ऊपर, मील खा के एंड देन विल गो आउट फॉर अ शूट. एक शूट है तो उसके लिए बाहर जाएंगे. सो गाइज, दैट्स इट फॉर द डे. हम ले रहे हैं ग्रीन टी और काफ़ी बढ़िया दिन रहा आज. वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ, कंडीशन और शार्प फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. पैक इतनी ज़्यादा, मतलब मैं जब लास्ट टाइम भी कटिंग करी तो मुझे उतना फुलनेस कभी फील नहीं हुई थी बैक में जितनी इस बार हुई है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द कंडीशन आई एम इन एंड बाइक भी आज सर्विस हो गई. सो चला के देखा उसके बाद काफ़ी स्मूथ हो गई है वापस से. टाइम टू टाइम मुझे मेरी मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे व्हीकल्स से. सो मैं प्रॉपरली उनको टाइम पे उनका ध्यान रखना और वो अच्छे चलने चाहिए प्रॉपर इन टिप टॉप कंडीशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई लव माई बाइक्स एंड कार्स, सो इसलिए सबसे अच्छी बात है सर्विस करवाने के बाद गाड़ी और ज़्यादा प्यारी और स्मूथ चल रही है. तो मतलब जैसे हम हमारी खुद की इतनी खुद पे इतना खर्चा करते हैं तो जब हमारी व्हीकल्स की बात आती है तो उनको मतलब इधर उधर से सर्विस करवा लिया ये वो, क्या प्रॉपर कंपनी से ढंग से टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, अच्छे से चलाओ और उससे भी उतना ही प्यार करो मशीन से जितना आप किसी इंसान से प्यार करते हो, बिकॉज दे विल गिव यू बैक मोर लव देन ए ह्यूमन कैन. और बाकी अब प्रेप का बहुत एंड टाइम आ चुका है. आज से 15 दिन बाद पहला वार्म अप शो होने वाला है जो हम जयपुर में कम्पीट करेंगे NPC फाइनली. और 2 कैटेगरी रहेंगी, क्लासिक और मेंस फिजिक. और मैंने कॉस्ट्यूम्स भी ऑर्डर कर दी हैं तो वो भी आने वाली हैं बहुत जल्दी. मैं वो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में भी, तब तक वो आ जाएँ शायद. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली लव यू ऑल. जो भी मेरे को दिल से फॉलो कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और आई होप इस बार गोल्ड लेके आए और बेटर परफॉर्म कर पाएँ. बाकी फिजिक तो नो डाउट लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, आज तक की मेरी बेस्ट कंडीशन है ये. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम akshat_xaesthetics.